डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान का शहर के मुख्तलिफ थानों का दौरा, फ्रंट डेस्क, हवालात, वेटिंग एरिया समेत दीगर हिस्सों का मुआयना किया। डीआईजी ऑपरेशंस की थानों की नफरी से मुलाकात, पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और असलहे की नुमाइश के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। मुदस्सिर हुसैन से मजीद जानते हैं। मुदस्सिर, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, डीआईजी रशीद मोहम्मद फैसल कामरान ने शहर के मुख्तलिफ थाना का दौरा किया। थाना शादबाग, नुलखा, मिश्रशाह, थाना बागवानपुरा का दौरा किया। फ्रंट डेस्क, हवालात और वेटिंग एरिया समेत दीगर हिस्सों का डीआईजी रशीद ने जो है वो मुआयना किया। मोहम्मद फैसल कामरान ने क्यूमेटिक मशीन समेत दीगर आलात की भी वर्किंग चेक की। डीआईजी रशीद ने थाने की नफरी से भी मुलाकात की और उनसे इस्तफसार भी किया, उनके थाने के मसाइल के बारे में भी पूछा। इस वजह से डीएजी फैसल कामरान का ये कहना है कि स्ट्रीट क्राइम, डकैती और रॉबरी के खिलाफ मजीद मुतहरक होने के भी मुतलका एसएचओज को और नफरी को हदायत जारी की। उन्होंने खासतौर पर पतंगबाजी के हवाले से अहकाम जारी की कि पतंगबाजी किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। जो एसएचओ पतंगबाजी पर काबू नहीं पा सकेंगे उनको अहदे से हटाकर उनकी जगह जो है वो नए एसएचओ जो है वो तैनात किए जाएंगे। हवाई फायरिंग के हवाले से भी उन्होंने हदायत जारी की कि हवाई फायरिंग और नजायज के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। जो हवाई फायरिंग पर काबू नहीं पा सकेगा और नजायज असले के खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करेगा वो एसएचओ भी अहदे से अहदे पर नहीं रहेगा। डीआईजी प्रेशर मजीद कहा कि शहरी को बर वक्त इंसाफ की फरहमी उनका बुनियादी हक है। मेरिट की बरदस्ती को हर सूरत जो है वो एसएचओ और तफ्तीशी अफसरान जो है वो यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद सचिव को हदायत जारी की, खास तौर पर जो डकैती और चोरी की एफआईआर है वो उसका अंदराज बर वक्त किया जाए, वो किसी कीमत पर ना रोकी जाए। जो एसएचओ चोरी और डकैती की एफआईआर रोकेगा उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपका शुक्रिया मुदस्सिर।